गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे भाई प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। और प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंदर राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और स्वामी या महर्षि दयानंद सरस्वती, ये अपन ने देखा। अब आज अपन देखेंगे गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अपने को शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी का जो टॉपिक है ये अपन ने पहले क्लास में भी पढ़ा है, गांधी जी के तीन बंदर वगैरह, सत्य अहिंसा इनका विशेष चलता है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग इनकी एक पुस्तक भी है। गांधी जी बाद में भी कंपटीशनों के अंदर भी आए गए, हर कंपटीशन के अंदर, तो इसलिए गांधी जी को विशेष अपने को देखना पड़ेगा भाई। महात्मा गांधी और अपने इसमें गांधीवाद चलता है, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि महात्मा गांधी मर जाएगा लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता, इनका गांधीवाद चलता है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं भाई इनका जन्म, ये तो सबको पता है। हाँ नहीं पता है, सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कहां पर? पोरबंदर गुजरात में। और गुजरात में किनका जन्म हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहां पर? पोरबंदर गुजरात के अंदर। और 2 अक्टूबर को ही क्या मनाई जाती है? गांधी जयंती। और अभी जैसे ही हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तो मोदी सरकार के बाद में 2 अक्टूबर से एक अभियान भी चलाया गया है। कौन सा? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई भाई? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई है? हाँ 2014 से हुई। कब से हुई है? 2014 से। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। और गांधी जयंती कब मनाते हैं अपन? 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। और इन्हें के जन्म दिवस पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ही हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया। कौन सा? स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम। और ये कब चलाया? 2014 के अंदर। हाँ भाई, पिता का नाम देखिए, करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम पुतली बाई। पत्नी कस्तूरबा गांधी। क्या नाम है भाई? कस्तूरबा गांधी। और कस्तूरबा ये तो अपने को याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई योजनाएं चल रही हैं कस्तूरबा के नाम से, हॉस्टल्स वगैरह भी चल रहे हैं। शिक्षा इनकी, शिक्षा इन्होंने स्थानीय क्षेत्र में भी प्राप्त की। और बाद में ये एक डेट याद आपको रखनी पड़ेगी, देखिए भाई
1888 में ये कहां जाते हैं, इंग्लैंड। 1888 में ये इंग्लैंड जाते हैं बैरिस्ट्री करने के लिए, यानी वकालत करने के लिए। तो ये वहां पर बैरिस्ट्री की परीक्षा पास कर लेते हैं, कब, 1891 के अंदर। कब करते हैं, 1891 में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास कर ली इन्होंने। उसके बाद जैसे ही इन्होंने एक केस लड़ा पहले, और वो पहला केस ये हार जाते हैं, थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, ये मायूस होते हैं। 1891 में भारत आ जाते हैं ये बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके। और अंग्रेजों की उस समय क्या नीति थी भैया, आपको पता है ना, क्या, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति थी। 1891 में ये यहां पर आते हैं। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका के अंदर कहां पर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक केस के सिलसिले में एक कोई केस आता है इनके पास, रिक्वेस्ट करके वहां इनको ले जाते हैं कि आप वहां चलिए, और एक केस, और वहां एक नीति चल रही थी, वहां भी किनका शासन था, लगभग अंग्रेजों का ही, रंग भेद की नीति। रंग भेद नीति, और रंग भेद नीति में क्या है भाई, गोरे और कालों के अंदर अंतर करना। गोरे हैं जो कालों को अपने बराबर का दर्जा नहीं देते थे, उनके साथ में वो दुर्व्यवहार करते थे। रंग भेद नीति का विरोध किया इन्होंने, इसका विरोध करने के लिए ये कहां गए, दक्षिण अफ्रीका। और ये दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं भाई, 1893 के अंदर। कब जाते हैं, 1893 में। और 1893 के अंदर ही एक व्यक्ति और गए थे अपने यहां से, जिन्होंने विश्व के अंदर अपनी धर्म की पताका फहराई थी, कौन, स्वामी विवेकानंद जी, कहां पर, शिकागो के अंदर। तो दक्षिण अफ्रीका ये कब गए, 1893। अब जैसे ये यात्रा कर रहे थे, उस समय ट्रेन के अंदर ये बैठे, तो वहां कुछ अंग्रेज लोग बैठते हैं वहां पर, और जबरदस्ती इनको, गांधी जी को, नीचे उतार देते। ये कहते भाई ये क्या है, मैंने टिकट बुक करवा रखी है, मेरी सीट है ये, लेकिन नहीं, फिर भी वो जबरदस्ती इसको उतार देते। पूरी रात इनको वहीं एक रेल के डिब्बे में स्टेशन पे रात्रि गुजारनी पड़ती है। तब इनको एक बहुत बड़ा आघात पहुंचता है इस चीज का, और फिर इन्होंने खुल करके इस नीति का क्या किया, विरोध किया। ये वहां पर कई सालों तक रहते हैं, और भाई फिर ये जनवरी 1915 में वापस स्वदेश लौटते हैं। वहां के एक व्यक्ति ने कहा भी कि भाई हम गांधी जा रहे हैं, ये शायद परमानेंट ही गए हमारे यहाँ से, अब नहीं आ सकते ये। तो जनवरी 1915 में ये स्वदेश यानी भारत वापस आते हैं, और वो टाइम है इनका 6 से 9 जनवरी। कौन सा है, 6 से 9 जनवरी। और 6 से 9 जनवरी को हमारे देश में एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा, प्रवासी भारतीय दिवस। और अब प्रवासी भारतीय दिवस इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, वो कब, 6 से 9 जनवरी के मध्य में, यानी 6, 7, 8, 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। कौन सा दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस। इसमें क्या होता है कि फॉरनर में यानी विदेश में जितने भी अपने उद्योगपति वगैरह हैं,
वो रहते हैं, वो आते हैं और यहाँ भारत के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं और उसे संपन्न करवाते हैं। वो लोग 6 से 9 जनवरी कौन सा दिवस है? प्रवासी भारतीय दिवस। कब आए भारत में ये? जनवरी 1915 में। अब आगे देखिए भाई, इसमें लखनऊ के अंदर कहां पर? लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उस कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। तो महात्मा गांधी जी जहां बैठे हुए थे वहीं पर बिहार से एक और व्यक्ति थे जो बैठे हुए थे, कौन? राजकुमार शुक्ल। कौन बैठे हुए थे भाई? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है किन से? गांधी जी से। और गांधी जी को कहते हैं कि गांधी जी हमारे वहां पर आओ और कृषकों की दशा देखो, उनके साथ में बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है, उनकी दुर्दशा की जा रही है। कि जबरदस्ती वहां पर किसकी खेती करवाई जा रही थी? नील की खेती हुई। किसकी खेती? नील की। कहां पर? बिहार के अंदर। इनके आग्रह पर, किनके आग्रह पर? राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर महात्मा गांधी वहां जाते हैं, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है पहले गांधी जी को। ये कहते हैं भाई क्या बात है, मैंने तो वहां जाकर देखा भी नहीं है, नहीं उनकी कोई समस्याओं पर वो किया है, क्या बात है। तो ये 1917 के अंदर चंपारण, और चंपारण कहां पर है भाई? बिहार में। 1917 में चंपारण बिहार में कृषक आंदोलन, कौन सा आंदोलन है ये? कृषक आंदोलन। इसमें शरीक होते हैं और भारत के अंदर गांधी जी का पहला सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में कहां पर? चंपारण में। और क्वेश्चन ये आया कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां हुआ? तो फिर अपन चंपारण बिहार आंसर नहीं देंगे, क्या देंगे? दक्षिणी अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में पहले इन्होंने सत्याग्रह किया है, इसलिए गांधी जी का पहला। और ये कहे कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, भारत की जब बात आएगी तो उसमें क्या? चंपारण आएगा, चंपारण बिहार में। ये कब? 1917 के अंदर। वैसे गांधी जी का पहला सत्याग्रह की बात करेंगे तो क्या आएगा? दक्षिण अफ्रीका आएगा। इसमें इन्हें सफलता हासिल हो जाती है कि भाई तुम जबरदस्ती नील की खेती क्यों करवा रहे हो इनसे, ये तो गलत है। तो ये कृषक आंदोलन, और इसमें इन्हें सफलता हासिल होती है। जब एक बार व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो जाती है तो फिर वो आगे की ओर अग्रसर होता ही चला जाता है। उसी समय भाई 1918 के अंदर, 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन, और खेड़ा कहां पर है? ये भी गुजरात में है। खेड़ा कहां पर है? गुजरात में है। खेड़ा किसान आंदोलन, किसानों से वहां लगान बहुत ज्यादा वसूल किया जा रहा था, टैक्स वगैरह बढ़ा रखे थे, उससे किसान बड़े परेशान थे। तो 1918 में फिर खेड़ा के अंदर किसान आंदोलन में ये शरीक हुए। खेड़ा कहां पर है? गुजरात में ही है, और इसमें भी इन्होंने सफलता हासिल। वो कहते हैं कि उनसे टैक्स लेना उन लोगों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया था, तो इसमें भी उन्हें सफलता मिली थी। अब इसी ईयर के अंदर 1918 में ही
1918 में अहमदाबाद अहमदाबाद मिल मजदूर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन स्टार्ट होता है और ये अहमदाबाद भी कहां पर है, गुजरात के अंदर है। पहला 1917 में चंपारण बिहार, 1918 में खेड़ा ये भी गुजरात में, ये किसान आंदोलन। फिर 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये भी कहा है गुजरात में। जब इन्हें के अंदर सफलता प्राप्त हुई, कई व्यक्तियों ने गांधी जी से आग्रह किया कि आप आओ और हमारी समस्या का भी निपटारा। ये क्या था भाई, मालिक और मजदूरों के मध्य में, मालिक वर्सेस मजदूर, मालिक और मजदूरों के मध्य में ये विवाद था। उस समय एक बीमारी चली थी, प्लेग की बीमारी। कौन सी? प्लेग की बीमारी चली थी। उस प्लेग की बीमारी में बहुत सारे मजदूर व्यक्ति खप गए थे, तो प्लेग बोनस दिया जा रहा था। उस समय क्या दिया जा रहा था? प्लेग बोनस दिया जा रहा था। और प्लेग बोनस के अंदर मजदूरों ने मांग रखी कि हमारे को कितना चाहिए। मजदूरों ने कहा कि हमारे को 50% बोनस दो। लेकिन मालिक ने कहा कि भाई नहीं, इतना तो आपको नहीं देंगे। कितना? 20% दे देंगे आपको। कितना दे देंगे? 20%। तो मजदूरों को समझाया गया इनको कहा कि आप क्या करो, भूख हड़ताल। क्या करो? भूख हड़ताल कर दो। अब एक दिन किया, दो दिन किया, तीन दिन किया। गांधी जी को कहा कि देखो ऐसी बात है, आप हमारे साथ बैठे भी नहीं हो और भूख हड़ताल हमारे से करवा दी। अब आपको क्या पता कि भूख क्या होती है? गांधी जी ने कहा कि ठीक है, ये मैं भी आपके साथ भूख हड़ताल के ऊपर बैठता हूं। तो पहली इनकी भूख हड़ताल किनकी? गांधी जी की। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कब? 1918 में। कहां पर? अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन हुआ उसके अंदर ये भी बैठ जाते हैं इनके साथ में। जब बैठते हैं तो फिर मालिक इनसे आकर के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये भूख हड़ताल तोड़ दीजिए। चलो ठीक है, आपका 50% नहीं और हमारा 20% नहीं, इनको कितना बोनस दे देंगे हम? 35%। कितना? 35% के ऊपर क्या हो जाता है? उनका डिसीजन हो जाता है। तो ये भूख हड़ताल पहला, और पहला सत्याग्रह कहां पर? भारत के अंदर चंपारण बिहार के अंदर। और भूख हड़ताल उन्होंने पहली बार कहा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के अंदर। अब इसके और आंदोलन है गांधी जी के जो अपन पढ़ेंगे, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अपने आगामी वो एग्जाम के अंदर भी आते हैं।